3 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। कांग्रेस बिजली, पानी और कानून व्यवस्था सहित कांग्रेस सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने को लेकर सदन में सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। इस पूरे मसले पर एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो आप देखिए। अगले महीने से राजस्थान सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल ने सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। बजट सत्र करीब एक महीने चलने की संभावना है। सत्र में राज्य सरकार अपना पहला फुल बजट पेश करेगी। विपक्ष बजट सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में जुटा है। सत्र हंगामेदार रह सकता है। सदन में विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। बिजली पानी का मुद्दा भी सदन में गर्मा सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस सदन में मुखर हो सकती है। नए जिले और संभागों की समीक्षा का भी मुद्दा कांग्रेस सदन में उठा सकती है और इस मुद्दे पर सदन में सरकार को कांग्रेस घेर सकती है। विपक्ष सदन में स्वास्थ्य योजनाओं का भी मुद्दा उठा सकती है, तो वहीं फ्री बिजली योजना को लेकर भी कांग्रेस सदन में मुद्दा उठाएगी। इसके अलावा कांग्रेस शासन में खोले गए करीब 300 सरकारी कॉलेजेस की समीक्षा करने का भी फैसला लिया है। इसके लिए भी कमेटी बना दी गई है। कांग्रेस सदन में इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की पूरी तैयारी में है। इन मसलों के अलावा भी कांग्रेस कई अन्य मुद्दों की एक लिस्ट तैयार कर रही है, जिनसे विधानसभा में सरकार को घेरा जा सके। सत्र शुरू होने से पहले विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें रणनीति का खाका तैयार होगा। करीब एक माह तक चलने वाला विधानसभा का बजट सत्र बेहद हंगामेदार रह सकता है। लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस पार्टी सदन में सरकार को घेरने से कोई मौका नहीं चुकेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर वो मुद्दा सदन में उठाया जाए जिससे जनमानस में एक मजबूत और बेहतर अपोजिशन का संदेश जा सके। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। आगे